विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या लगभग 2,78,000 है। इस बार रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। हम आज पहुंचे हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा। तो स्वराज एक्सप्रेस की टीम निकली है मतदाता का मन जानने। इस बार मतदाता के मन कार्यक्रम में हम हैं रायपुर में, रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। रायपुर का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बाकी पूरे प्रदेश से कई मायनों में अलग है। 2008 में अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र में इसको रायपुर का स्टडी हब भी माना जा सकता है, एजुकेशन हब भी माना जा सकता है। एलिट क्लास यहाँ का बहुमत धारी लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। NIT कह लीजिए, रविशंकर यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कह लीजिए, प्रदेश का इंटरनेशनल स्विमिंग स्टेडियम कह लीजिए, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय का बोलबाला है, वो यहाँ पर जीतकर पिछले विधानसभा में काबिज हुए हैं। उसके पहले राजेश मोड़द यहाँ पर विधायक थे। पिछले 4.5 साल के कामों का हम जायजा लेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या लगता है कितना क्षेत्र में विकास हुआ है, कहाँ तक विकास को गति मिली है। विधायक तो विकास उपाध्याय है ही, लेकिन विकास के कामों का जायजा लेंगे और मतदाता के मन की बात जानेंगे कार्यक्रम में। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं से। रायपुर पश्चिम विधानसभा के नतीजे। मिले थे 64,611 वोट। विकास उपाध्याय कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे 58,451 वोट। विधानसभा चुनाव 2018, विकास उपाध्याय 11,648 वोटों से जीते। विकास उपाध्याय कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे 76,359 वोट। राजेश मूढ़द बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे 64,747 वोट। रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट में मुख्य रूप से एजुकेशन और स्पोर्ट्स क्षेत्र के लोग रहते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर का विधानसभा होने के कारण यहां सबकी नजर होती है। इस क्षेत्र में एम्स समेत तमाम सभी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई गई हैं। क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में हुए विकास को लेकर जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। रायपुर के पश्चिम विधानसभा में गुढ़ियारी में, और इस वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4.5 साल का जो समय है वो कैसे निकला है। तो आप पश्चिम विधानसभा के रहवासी हैं, ये पिछले 4.5 साल जो विकास उपाध्याय का कार्यकाल रहा है उसको कैसे देखते हैं? पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधायक विकास उपाध्याय सिर्फ क्षेत्र में फोटोबाजी करता है, काम के नाम से कुछ नहीं है। आप ये जब विश्वजी वार्ड में खड़े हैं, आप इस वार्ड में देख सकते हैं 4 तालाब हैं और 4 तालाब की स्थिति ऐसी ही है कि पूरा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। न तालाब का कोई सौंदर्यीकरण हुआ है, न कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं रोड जगह जगह गड्ढा नाली, ये सिर्फ फोटोबाजी विधायक है, यहाँ कुछ क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो आप जब कह रहे हैं कि फोटोबाज विधायक है, तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो बात हुई तालाबों की स्थिति की, तालाबों के अलावा और भी कुछ काम होंगे जो विधायक महोदय ने पिछले 4.5 साल में किए होंगे? मैं खुद कुकड़ी तालाब में रहता हूँ, कुकड़ी तालाब इसी से जाकर देखिए, मच्छी मर रहा है, उसको नगर निगम में पाउडर नहीं डाला, अपना ब्लीचिंग पाउडर, इतनी गंदगी है तालाब, उसको बताने में क्या बोलूँ आपको। वो तो विकास राजेश मूढ़द जी इतना काम किए है, उसका काम में अभी तक विकास उपाध्याय 1% काम नहीं करवाए विकास उपाध्याय जी। तो काम वर्तमान विधायक नहीं कर पा पाए हैं, ऐसा एलिगेशन है। आप यहाँ पर हमारे साथ इस मंडल के अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे 4.5 साल? जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई है, जनता से अब तक छला है, उसने झूठे वादे कर आम जनता को छला है। जैसे कि उसने घोषणा करा था पत्र में
कि हम सब गरीबों को प्रधानमंत्री आवास फ्री में दिया जाएगा, उसके बाद यूजर चार्ज नहीं लगेगा। उसी प्रकार विधवाओं का पेंशन, विधवा पेंशन, रोड नाली, बिजली पानी का कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, दारू का भी उसने गंगा जल छू के कसम खाए थे। इन सब मांगों को लेकर हम आज पूरे छत्तीसगढ़ में इस आक्रोश से जनता के कि सरकार ने जो धोखा देकर आज जो शासन में बैठी है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आज हम सब कार्यकर्ता और आम जनता जागरूक हो गई है, और उनको जगाने के लिए आज शहर के महापौर, क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुखिया को ये चेतावनी दे रहे हैं, जिसने आम जनता को जो वादा किया था उसको पूरा करें, वरना अब कुछ ही महीनों के पश्चात जनता आपको उसका जवाब देगी। तो बिल्कुल ये है, यहाँ की जनता का कहना है कि जनता उनको जवाब देगी। रायपुर पश्चिम विधानसभा के कुछ क्षेत्र आज भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याएं जैसे तालाबों की सफाई, बिजली, पानी, मेंटेनेंस, बाजार का रखरखाव जैसी समस्याएं। काम तो बहुत हुआ कार्यकाल में विकास भैया के, और मैं डाडीबन क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मेरे क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। रोडें बनी है, घर के सामने मेरी रोड थी नहीं उस समय, तो उन्होंने रोड बनाई, नाली भी बनाई और ड्रेनेज सिस्टम सुधार हुआ है। पानी की जो समस्या थी, दोनों टाइम पानी आना चालू हो गया है। ये रायपुर पश्चिम में चाहे छोटे से छोटा गुमटी वाला हो, पान दुकान वाला हो या बड़े से बड़ा व्यापारी, जिनकी हर समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा हर समय, केवल ये नहीं कि दिन भर का समय, अगर आधी रात को भी कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़े कि माननीय विधायक जी की आवश्यकता, अगर किसी निवासी को यहाँ पर रायपुर पश्चिम के निवासी जो व्यापार करता हो या अन्य कोई काम करता हो उनका आवश्यक होता है, तो रात को 12 बजे भी उनका फ़ोन अटेंड होता है और वो जनता के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई समस्या है यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर महसूस कर रही होंगी, ये रोड में इतनी गुमटियाँ लगी हुई हैं, कभी भी जो है इनके रोजगार को हटाने का काम हमारे माननीय विधायक जी ने कभी नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहित किया कि ठीक है, अगर घर चलाने के लिए जो आवश्यक है, जो वो कर सकते हैं वो करें। इवन देन केवल यही नहीं, जब कोरोना काल की स्थिति थी तब जब लोग अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, तब भी जो छोटे छोटे काम, जैसे साग भाजी वाले, सब्जी वाले, छोटे टपरी वाले, जो छोटा काम कर रहे हैं, जिनके घर में आय की व्यवस्था हो सके, उनका समाधान, उनका सहयोग भी जो है माननीय विधायक जी ने, विकास उपाध्याय जी ने किया। और रायपुर एक्सपेक्टेशन का क्या है, काम तो कोई विशेष रूप से हुआ नहीं है यहाँ पे। अब सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि ये जो अपने सामने रायपुर अंडर ब्रिज है, यहाँ शाम को आदमी का चलना दुभर हो जाता है, इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक रहती है, जिसका कि बदहाल व्यवस्था है, वहाँ आदमी शाम को गुजर नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और उसको ट्रैफिक को सुधार करने में सरकार का कोई वो नहीं, मतलब आधा आधा घंटा लग जाता है उसको पार करने में। उसके अलावा कोई नया काम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पार्किंग की व्यवस्था तो वैसे भी अभी है नहीं, हम लोग की पर्सनल पार्किंग ही है जो भी किए हैं शॉप के सामने में, और बाकी नाली वगैरह को कवर्ड कर देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। और बाकी तो जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है काम। और जब से भैया आए हैं, विकास बेटा जब से यहाँ पर आए हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई है, उल्टा वो हमारी मदद करते हैं। कोई बात होगी आंटी तो मेरे को आके बोलिए, आपको कोई परेशान करता है, कुछ करता है तो मुझे आके एक बार बोलिए। बहुत अच्छा नेचर है। मैं कई बार उनके पास वहाँ गई भी हूँ बंगले में, और भी लोग आते हैं, जो अपनी विनती, जो अपना कोई भी परेशानी लेकर के आता है, उनकी सबकी समस्या को इतने प्यार से सुनते हैं, वो बैठ के सबकी मदद करते हैं, किसी से उनको कोई परेशानी, मेरे को तो खास कर परेशानी है ही नहीं उनसे कोई, बहुत अच्छी मदद करते हो मेरी और सभी की करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा उनसे बात करते हुए, तो जो जो अपनी परेशानी वहाँ लेकर के बैठते, उनका इंतज़ार करते, जब वो आते हैं एक एक इंसान से इतना प्यार से वो बात करते हैं, आराम से सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं चलो चलो ये उसका सुन रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो। जो जनसेवक है, यदि विपरीत परिस्थिति में जो जनसेवक है जनता के साथ जब खड़े हो तभी वो असली जनसेवक कहलाते हैं। और उसमें यदि प्रथम किसी का नाम लिया जाता है तो माननीय श्री विकास उपाध्याय जी का नाम लिया जाता है, कि यदि चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जो विधायक जी हैं वो एक
तौल में तौलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े का फ़ोन आया तो उनके विपरीत परिस्थिति में चले जाए, जबकि वो ये ढूंढते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, तो किस तरह मैं उन तक पहुंचूं और उनकी समस्याओं को मैं हल करूं। नहीं, ऐसा तो कोई काम बचा नहीं है हमारे पश्चिम विधानसभा में। चुनाव के समय एक बहुत अच्छा स्लोगन दिए थे, नेता नहीं बेटा चुनो, तो माननीय आज विकास उपाध्याय जी ने वो सच करके दिखाया हुआ है। और पूरे पश्चिम विधानसभा में आज उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को आसानी से अवेलेबल हो रहा है। चाहे सुबह आप 5 बजे ग्राउंड में चले जाओ, एक आम जनता की जो ज़रूरत जो रहती है कि अपने विधायक को अपने नज़दीक में पा करके, वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और साथ ही साथ विकास की अगर कहीं हम बात करें तो पश्चिम विधानसभा में आज हर गली कोने कोने से लेकर के जो है विकास कार्य हुआ है, उसके लिए मैं पूरे पश्चिम विधानसभा की ओर से जो है माननीय विधायक जी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जो कार्यकाल देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल देख रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ विनाश हुआ है। जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए थे, कम से कम उसको मेंटेन करने का काम वो भी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको उदाहरण भी दे सकती हूँ, प्रस्तुत कर सकती हूँ। बड़ा हमारा दीनदयाल ऑडिटोरियम बना है, जब हम बनाए थे तो वो कैसा था, कम से कम आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कार्य हुए हैं, कम से कम उसको मेंटेन ही कर लेते तो भी हम आपको कुछ अंक दे देते। अभी हम कांग्रेस की सरकार को मैं 0 अंक दूंगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने ऑडिटोरियम बनवाया, नालंदा परिसर हमारे कार्यकाल में बना हुआ है, जो जितने भी ब्रिजेस हैं वो बने हैं, और जो अधूरे कार्य थे हमारे शासनकाल में, जो हम कार्य प्रारंभ किए थे, उन कार्यों को कम्प्लीट कराने का कार्य भी वर्तमान की कांग्रेस सरकार नहीं करवा पाई है। जनता इस सबको अच्छे से समझ रही है, अच्छे से जान रही है। आप तो जनता खुले शब्दों में बोलती है कि बातों से जनता खुश नहीं होती है, प्रसन्न नहीं होती है, उनको कार्य चाहिए रहता है। एक भी बड़ा कार्य पश्चिम विधानसभा में वर्तमान कार्यकाल में नहीं हुआ है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, बस वही कार्य हुआ है, वही इतिश्री हो गई है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक बीजेपी नेता राजेश मूढ़क कांग्रेस के काम को नाकाफी बता रहे हैं। क्षेत्र में चौपाटी निर्माण से लेकर कई मामलों में धरने पर बैठे राजेश मूढ़क समय समय पर अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं। जब बात पश्चिम विधानसभा की हो रही है तो पश्चिम विधानसभा से विधायक रहे प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़क की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल वर्तमान में वहां पर कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उस वक्त किए गए थे, और आज उन कामों पर लगातार पूर्व मंत्री, क्षेत्र के पूर्व विधायक जो हैं वो सवाल उठाते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ राजेश मूढ़क जी हैं। विकास उपाध्याय के इस पूरे 4.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं तो कांग्रेस के कार्यकाल को देखता हूं जी, पूरा शहर बर्बाद करके छोड़ दिया। रायपुर शहर से कांग्रेस पार्टी को 3 विधायक बना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी कहा और आज फिर कहता हूँ आपके माध्यम से, एक काम बताएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में 10-20 करोड़ का काम चालू किया हो, जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया हो, जिसका लोकार्पण किया। ये सब काम जितने भी हैं ये भाजपा शासन काल के हैं, हमारे कार्यकाल के हैं। खाली फोटो चिपकाने का काम वो करते हैं, चाहे रोड की बात करें, आज रोड बन रही, अरे पूरे गड्ढे खदे हुए पड़े हैं, गली मोहल्ले के अंदर पाइपलाइन का विस्तार कर दिया, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। पूरे शहर के अंदर मच्छर का प्रकोप, आपने झूठा आश्वासन दिया जनता से, आपने वोट लिया, आपने पर्चा बांटा, आपने कहा हम आपको मोर जमीन मोर मकान अधिकार देंगे, यहाँ पूछो लोगों को पट्टे नहीं मिले, परेशान हो गए 4.5 साल में। यही नहीं, जो गरीबी परिवार लोग थे जिनके पास मजदूर कार्ड था, मजदूर कार्ड के अंदर पूरी सरकार ने व्यवस्था ही ठप कर दी, ना साइकिल मिली, ना सिलाई मशीन मिली, ना पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है, ना बच्चों की शादी के लिए पैसा मिल रहा है, ना तीर्थ यात्रा चल रही है।
कुछ भी तो नहीं चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, सिर्फ एक ही काम चल रहा है, अवैध दारू बेचो, पैसा कमाओ और भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस पार्टी, इसके आगे कुछ नहीं। तो पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश के विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि इस क्षेत्र में एक ही चीज चल रही है, वो है भ्रष्टाचार, बाकी सारे काम ठप है। आशा करती है, क्योंकि जब वो विधायक के रूप में चुन कर आए थे तो हर लोगों के मन में विश्वास जगा था कि उनके परिवार का एक बेटा विधायक बनकर आया है। इसलिए आप समय समय पर देखेंगे कि कोई बिल्डिंग में आग लगी हो तो रात को 12 बजे पहुंच जाते हैं, खुद फायर ब्रिगेड वाले बनकर आग बुझाने का काम करते हैं, खुद जैसे पाइपलाइन फूटा हो तो खुद आकर वहाँ पर श्रम सेवा करते हैं। यही सब चीज़ विकास भैया को अलग बनाती है। बहुत सारे अच्छे काम हो गए हैं, भूपेश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है और साथ में विधानसभा स्तर में हमारे पश्चिम विधानसभा में हमारे विकास भैया ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक गरीब तबके के लोगों के लिए मैडम, जो रोजी व्यापार करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, जिसके लिए भैया ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि आप वो विकास भैया के कार्यालय पर आइए, निःशुल्क बिना एक रुपये दिए आपको मजदूर कार्ड बनाकर दिया जाएगा, राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। गरीब लोगों के लिए दिनचर्या में ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसे ने भैया ने बहुत आसानी से अवेलेबल कराने का काम किया है। और छोटी छोटी समस्या जैसे रोड नाली और इन सब चीज़ के लिए भैया 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखते हैं और फ़ोन रिसीव करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भैया के साथ हूँ, आप वार्ड में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, उनका फ़ोन रिसीव करना ये बहुत बड़ी बात है। विधायक जैसे पद पर बैठ कर आम जनता का फ़ोन रिसीव करना और उनको तत्काल रिस्पॉन्ड करना, ये भैया की बहुत बड़ी बात है। विधानसभा के विकास उपाध्याय जी कोविड में इतनी सेवा किए हैं, जैसे केंद्र से उधर से आते थे तो यहाँ पे किसी के पैर में चप्पल नहीं हुआ करती थी, किसी को खाना नहीं मिलता था, तो सबकी गाड़ी की व्यवस्था करके किसी भी कोई ट्रांसपोर्ट में कोई गाड़ी में बैठा के उनको रवाना किया करते थे। और कोविड में खुद सैनिटाइज़र किए हुए हैं, खुद को क्या अपना हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं कोविड पेशेंट लोगों को, सारी सुविधाएँ दिए हैं, इतना कोई भी नहीं किया, सब अपने अपने घर में थे और विकास उपाध्याय जी ने बहुत सेवा किया है। तो वही क्षेत्र में कोटा गुढ़ियारी जैसे इलाके भी हैं। मिले जुले समीकरण वाली विधानसभा सीट मत देने के पहले अपने नेता के कई कार्यों पर विचार करता है। मतदाता का मन जानने के लिए स्वराज की टीम निकली है रायपुर के पश्चिम विधानसभा, और जब मतदाता का मन हम आपको बता चुके हैं तो क्षेत्र के विधायक से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं विकास उपाध्याय जी, क्षेत्र की जनता से हमने बात की, बहुत सारे कुछ काम उनको हुए, उनके हुए भी हैं और कुछ काम बचे भी हैं, तो अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल को आप खुद कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की इस क्षेत्र के विधानसभा की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझको मत देकर यहां का जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया। और जिस प्रकार से रायपुर राजधानी और राजधानी के अंदर रायपुर पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र था, जो मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी बात है कि मूलभूत जो बेसिक समस्या है उसका समाधान कैसे करना है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर और उस पर सबसे ज़्यादा हमारा केंद्रित लक्ष्य था और उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। यही रायपुर राजधानी का पश्चिम विधानसभा है, जहाँ मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारी फैलती थी, जिसको रोकथाम कैसे किया जाए, राजधानी के अगर मध्य ऐसे विधानसभा में अगर इस प्रकार की तकलीफ है तो उसको कैसे निराकरण करना है। सड़कें तो मेन रोड में बनती हैं, लेकिन जहां 50-50 लाख 30-30, 40-40, 50 लाख रुपए के लोग मकान बनाते हैं, पूरे जीवन भर की कमाई जहां लगाते हैं, वहां सड़कें नहीं पहुँच पाती, वहाँ नाली नहीं पहुँच पाती, वहाँ पेयजल नहीं पहुँच पाता, तो उसको कैसे पहुँचाना है, उस पर हम लोगों ने काम किया। और चूंकि 15 साल यहाँ बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता ने हमको वोट दिया और हम लोगों ने उसी को काम किया। बिजली के खंभे, बिजली के तार, हाई टेंशन लाइट,
और ट्रांसफार्मर ये लोगों के घर के समीप होते थे, लोगों के घर के पास से हाई टेंशन लाइट जाती थी, दुर्घटना हुई, लोगों की जाने गई, इन सभी चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने बिजली हाई टेंशन लाइट जहाँ खंभों की आवश्यकता है वहाँ खंभा और जहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है, क्योंकि इन 20 साल में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ में अलग अलग विधानसभाओं में रहने वालों की जनसंख्या बढ़ी है, पावर लोड भी बढ़ा है, लोगों के घर बने हैं, और कैसे उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी की व्यवस्था किया जाए इस पर हम लोगों ने जोर दिया। और समय समय पर स्टूडेंट्स की अपनी डिमांड रहती है, ये किस तरह से आप तक पहुंचती है और आप इसको कैसे निराकरण करते हैं? ये इसको भी हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया है। पिछली सरकार ने जो चलते ग्राउंड जहां हजारों लोग खेल की प्रैक्टिस करते थे उनको बंद कर दिया अलग अलग योजनाओं के साथ। यही मेरे बंगले के पीछे आप चले जाइए उपाध्याय, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय नगर में यहाँ धन्यवाद ग्राउंड था। पिछली सरकार के लोगों ने कुछ अपनी राजनीतिक दल के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को उसको दे दिया, अब वहाँ बिल्डिंग बन रही है, ग्राउंड नहीं है। हमने अटारी में ग्राउंड बनाया, हम लगातार अलग अलग जगह जरवाए में हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को स्थानीय खेल कूद के लिए भी आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने का काम ये सरकार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये खरा उतरने की आपकी कोशिश जो है ये तो इस चुनाव के लिए हो गई। 2023 का कांग्रेस का अपना एक बड़ा लक्ष्य है, सिर्फ प्रदेश के नहीं देश के लिए भी। आपके पास और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन चूंकि आप विधायक हैं पहली प्रायोरिटी आपकी वो रहती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार जनता के पास जाएंगे और आपको पूरा विश्वास है कि आपकी जनता आपका साथ देगी? देखिए, ये 5 साल का समय, 4.5 साल जिसमें बीत गए, ये 5 साल का समय एक बड़ा समय था, और ये बड़ा समय नहीं था काम करने के लिए, लेकिन जो जैसी समस्या यहाँ पर है उस समस्या का समाधान पूरी गंभीरता से पूरे जड़ से खत्म हो जाए उसके लिए एक टाइम पीरियड आपको काम करने के लिए चाहिए। जनता ने विश्वास करके काम दिया, और आने वाले दिनों में भी, मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा लक्ष्य जो मुख्य बिंदु है, जो हमारे ये रायपुर राजधानी के मोहल्ले वार्ड रायपुर राजधानी के तर्ज पर होना चाहिए, और उसको करने का प्रयास, उसको सुंदर करने का प्रयास, हर चौक चौराहों को लैंडमार्क के रूप में उसको सुंदर बनाने का काम, जो यहाँ पर गार्डन है, उद्यान है, जो तालाब हैं उनका सौंदर्यकरण कैसे करना है। आप आज जाकर देखिए पहले की स्थिति में, आज की स्थिति में गार्डनों की स्थिति देख लीजिए, तालाबों की स्थिति देख लीजिए। कभी इस ओर पिछली सरकार ने सोचा नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतने बड़े नेता थे, यहाँ से जो विधायक थे वो 3 बार के कैबिनेट मंत्री थे, और मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा पावरफुल कोई आदमी थे तो इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे जिनको जनता ने 3 बार चुना, और 3 बार चुनने के बाद उनको काम दिया और वो उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उस समय इस ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हुआ। निर्माण हुआ जिसमें मोटा कमीशन उनको कैसे मिले, मोटा रकम कैसे मिले। पहले यहाँ रोड बनती थी, सीसी रोड, उसके बाद डामर रोड, डामर के ऊपर सीसी रोड, नाली का अता पता नहीं, लोगों के मकान नीचे चले गए, रोड ऊपर उड़ गई, ऐसा डेवलपमेंट करने का काम पिछली सरकार ने किया। कार्यविधि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जनता ने मुझको अगर 5 साल जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया तो मैं अगर काम अच्छा करूँगा तो फिर चुन कर आऊँगा, काम नहीं करूँगा तो वापिस अपने घर जाऊँगा। बिल्कुल, तो ये अभी तक हमारे साथ थे रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने काम के साथ विपक्ष के काम का भी एक पूरा ब्यौरा आपके सामने रख दिया है। जनता की बातें हमने सुन ली है, मतदाता के मन में रायपुर पश्चिम विधानसभा से यहीं तक। तो अभी हम थे रायपुर के पश्चिम विधानसभा में, जहां हमने जाना मतदाता का अपना मन कि वो पिछले 4.5 साल के यहां के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। विकास उपाध्याय वर्तमान में यहां विधायक के रूप में काबिज हैं, इसके पहले बीजेपी के कद्दावर मंत्री और नेता राजेश मूढ़त थे। राजेश मूढ़त और विकास उपाध्याय के बीच में चुनावी दौर पर खूब घमासान युद्ध चला, कांग्रेस ने बाजी मारी, 4.5 साल का काम रहा। मतदाता अपना मन बता चुका है कि वो कितना किसके साथ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 2023 के चुनाव में जनता अपना मत किसे देती है, क्या वो विकास उपाध्याय के किए हुए कामों से संतुष्ट है, या बीजेपी जो एलिगेशंस लगा रही है, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, उस पर उनका ध्यान ज्यादा है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।